नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है सिलिएट्स, जिन्हें सिलियोफोरा भी कहते हैं। और ये जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और दे हैव फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। और उस आउटर कवरिंग का नाम क्या है? पेलिकल। क्योंकि जो पेलिकल है वो इन्हें डेफिनेट शेप देती है, लेकिन उनकी शेप जो है वो चेंज भी हो सकती है। हम कहते हैं कि इसकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलिएट्स हैं, यानी जाहिर है इन पर सिलिया होते हैं। ये सीलिया फाइन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बीट करते हैं इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। जो सीलिया हैं इनकी मदद से जो ऑर्गेनिज्म है ये मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिस तरह भी उसकी मूवमेंट होनी है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सीलिएट्स आर सेसाइल। ये हम खुद मूव नहीं करते, बल्कि इनके सीलिया मूव करते हैं और वो वाटर करंट प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे क्या होता है कि ये फूड को वाटर करंट प्रोड्यूस करा के अपनी तरफ मूव करवाते हैं। मतलब ये कि ये अटैच होते हैं एक सरफेस से, और ये जो खाते हैं इनकी फूड जो है वो बेसिकली टाइनी प्रोटिस्ट हैं, और इंजेस्ट करते हैं ये बैक्टीरिया को। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वाटर मूवमेंट जो है फ्रेश वाटर में उसको कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करें, अब हम बात कर रहे थे कि इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस इज माइक्रो न्यूक्लियस, सेकेंड इज मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है स्मॉल होता है और डिप्लॉयड होता है, और इसमें हम कहते हैं ईच और हर सिलिएट जो होता है ना उसमें वन और मोर माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में और जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करने में। अगर मैक्रो न्यूक्लियाई की बात करें तो हम कहते हैं कि ये लार्ज होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और ये हेल्प आउट करते हैं ग्रोथ में, डीएनए के एक्सचेंज में, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में। हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिलिएट्स जो हैं उनमें होता है प्रोसेस कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन ये होता है कि दो बैक्टीरिया जो हैं वो आपस में अपना जो सेगमेंट एक्सचेंज करके एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के जरिए अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इनमें ये प्रोसेस भी होता है, और सबसे जो कॉमन हमें एग्जाम्पल पता होती है सिलिएट की, जो कि हम बार बार पढ़ते हैं, वो हैं पैरामेशियम। फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपोर्ट्स जो है ये नेक्स्ट हमारा है टॉपिक। सबसे पहले अगर हम फोरामिनिफेरेंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोरम्स। ठीक है, और ये मेरीन प्रोटिस्ट होते हैं जिनका शेल होता है, और शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये जो हैं होते कैसे हैं? एनिमल लाइक होते हैं, इनमें सूडोपोडिया होता है, एक्सटेंशन होती हैं इनके साइटोप्लाज्म की, जिसके अंदर सस्पेंड हो जाता है इनका मटीरियल। अब अगर हम बात करें जिसमें मेन चीज़ है इनका जो शेल या टेस्ट है, उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जिनसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन यानी कि वो बाहर बाहर निकलती हैं, और वो क्या करती हैं? स्टिकी सब्सटेंस को क्रिएट करती हैं, और जो प्रे को अपने जाल में फंसाने के लिए यानी कि इंटेंगल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें डेड फोरामिनिफेरेंस की, तो हम कहते हैं डेड फोरामिनिफेरेंस जो हैं वो बॉटम में ओशन के सिंक कर जाते हैं और वहाँ ग्रे मड बना देते हैं, और ये ग्रे मड जो है वो पर्टिकुलरली स्लोली यानी कि वो चेंज हो जाती है चॉक में, जो कि हम यूज़ करते हैं बोर्ड वगैरह पर लिखने के लिए। द ओल्ड एंड डेड फोरामिनिफेरेंस आर चेंज इनटू लाइमस्टोन, यानी लाइमस्टोन क्या होता है? चूने का पत्थर जो है जब ये ओल्ड हो जाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्टिनोपोडा हैं इन्हें रेडियलेरियंस भी कहते हैं, और इनका जो टेस्ट है वो बना होता है सिलिका से। अपने जो फूड है ये उसको हासिल करने के लिए ये यूज़ करते हैं सूडोपोडिया। इनमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये मोस्टली मैरीन होते हैं।